हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। दिल्ली विश्वविद्यालय से 5 नए विज्ञापन जारी किए गए हैं वैकेंसी के। सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें रहने वाली है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, लेवल 10, लेवल 13, लेवल 14 के अकॉर्डिंग। परमानेंट पोस्ट हैं सभी, और यहाँ पर जो है किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चलिए, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन में चेक करने को मिलेगी। सब्जेक्ट भी जो है आप लोग वहीं पर देख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो 5 बिल्कुल नए विज्ञापन हैं, जिसमें विज्ञापन संख्या आपको बता देती हूँ ताकि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ले सकें। इसमें 309, 308, 307, 306 और 305, तो ये पूरे जो है 5 नए विज्ञापन है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। तो इसमें जो है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, वर्क विद ड्यू में आप लोगों को देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 309, 308, 307, 306 और 305। तो ये जो है पांचों बिल्कुल नए विज्ञापन है, परमानेंट पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आप लोगों को दिखा दूंगी, लास्ट डेट आप देखेंगे और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ना है आप लोगों को। यदि आप यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक रहेंगे, आप लोगों को लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर देखें और उसके बाद पूरा विज्ञापन पढ़ें और फिर आवेदन करें, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे। किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। 309/2024 जो विज्ञापन है, लास्ट डेट इसमें 24 अक्टूबर 2024 है। पद का नाम है प्रोफेसर। पे लेवल 14 ऑफ 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी है, तो इसमें 145 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें डिपार्टमेंट हैं जैसे जूलॉजी, उर्दू, स्टैटिस्टिक, सोशियोलॉजी, स्लेवोनिक एंड फिनो अग्रेन यूग्रेन स्टडीज़, पंजाबी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिलोसफी, पर्शियन, ऑपरेशन रिसर्च, म्यूजिक, माइक्रोबायोलॉजी, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, लॉ, हिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ईस्ट एशियन स्टडीज़, कॉमर्स, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज़, बॉटनी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, अरेबिक, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये सभी जो इसमें विषय हैं, लास्ट डेट जो है आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट जो विज्ञापन है, ये जो है इसका शॉर्ट नोटिस है प्रोफेसर के पद का। उसके बाद जो है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें पे लेवल 13, 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। 24 अक्टूबर इसमें भी जो है लास्ट डेट है, ये डिटेल में है इसका एडवर्टीजमेंट, जिसमें आप जो है डिपार्टमेंट देख लें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, ये आप देख सकते हैं आराम से, जो है आप इसमें चेक कर लें अपना सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें 313 पदों पर वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, तो प्रोफेसर की बता दी मैंने, एसोसिएट प्रोफेसर की बता दी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो वैकेंसी है, तो लेवल 10, 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी। इसमें भी लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। इसका भी जो है डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सभी नेम ऑफ डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं आराम से इसमें। ठीक है, इसमें कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो 116 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ जो है नेट स्लेट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और बिना नेट स्लेट के भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो किन में आप आवेदन करेंगे, तो वो आप लोगों को अभी बता दूंगी मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और जो है विज्ञापन, जो कि 306/2024, इसमें वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोगों को नेट स्लेट जो है इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, बस मास्टर डिग्री होना चाहिए। लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 है। इसका डिटेल में एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इसमें फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है,
इसमें जो है एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी है। एक ये है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तो इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो कुल जो है 23 पदों पर वैकेंसी है। तो इसमें जो है नेट स्लेट जो है आपको नहीं चाहिए होता है। इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है डिटेल में देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 305 इस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस, डिटेल में नोटिस सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए ऐसे ही आपको सभी ओपन करके देख लेने हैं। एडवर्टीजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। वैकेंसीज जो है कंप्यूटर से संबंधित हैं और क्वालिफिकेशन आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। इसमें तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस और एमसीए वाले सभी में जो है फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर जो है नेट स्लेट सेट या पीएचडी बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। और भी जो है ब्रांच है इसमें, अगर आपका ऊपर नहीं है तो यहाँ देख लें, एडवांस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ऑप्शन हैं आप नीचे तक देख सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले भी आवेदन कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले भी आवेदन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। दूसरा जो पद है इसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो हैं, अगर बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस, ठीक है, फर्स्ट क्लास के साथ फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। इसमें भी जो है बहुत सारे जो हैं ऑप्शन हैं, बस इतना ही इसमें आपके पास मांगा गया है, ठीक है। अब जिन्होंने नेट सेलेक्ट किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है तो ठीक है, बाकी नहीं भी किया है कंपलसरी नहीं है। जो भी शॉर्टलिस्टेड करेंगे कैंडिडेट को तो उनका जो है रिटन टेस्ट रहेगा। तो अब जो है नोटिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है www.du.ac.in, गूगल पे सर्च कर लें। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे वर्क विद डीयू, इस पर आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं वर्क विद डीयू, तो इसमें ये पूरा जो है आपको पांचों एडवर्टीजमेंट संख्या दिख जाएगी। जैसे आप जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 308/2024, इसमें जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, ये आप देखना चाहते हैं पूरा, इस पर क्लिक कर लें। थोड़ा सा नीचे आएं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एसोसिएट प्रोफेसर देख सकते हैं, वैकेंसी कितनी है इसमें ये देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है तो ये देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दी है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है दूसरे के लिए आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 309, 307, 305, 306। चलिए जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन करने के, क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आवेदन करें। थैंक यू।